नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं है किसी का डर। पटियाली क्षेत्र के ग्राम नरदोली में प्राचीन चंडी माता के मंदिर में यज्ञ का आयोजन। लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं है किसी का डर। सियाना क्षेत्र में हरे आम के पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है और लकड़ी माफिया के हौसले भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि लकड़ी माफिया को किसी का भी डर नहीं है, खुलेआम फलदार पेड़ों को वह काट रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी माफियाओं के साथ हैं। दोनों साठ गाड़ कर फल पट्टी को वीरान करने पर तुले हैं और पुलिस ने भी अपनी आंखें बंद की हुई है। पटियाली क्षेत्र के ग्राम नरदोली में प्राचीन चंडी माता के मंदिर में बाबा महंत जी के श्री श्री 108 भगवान दास की मौजूदगी में हुआ यज्ञ का आयोजन। पटियाली क्षेत्र के ग्राम नरदौली में प्राचीन चंडी माता के मंदिर में बाबा महंत जी श्री श्री 108 भगवान दास की मौजूदगी में आज यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक आचार्य मुनीत मिश्र, ग्राम रज रिजरौला और पंडित ब्रजेश नरदौली के द्वारा विधि विधान से यज्ञ आहुति दिलाई गई। वहीं इस यज्ञ के आयोजन में ग्राम नरदौली और क्षेत्र के सभी लोग शामिल रहे। सभी श्रद्धालुओं ने माँ के चरणों में शीश झुकाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस मौके पर पत्रकार ललित कुमार मिश्रा, देवेश चंद्र मिश्रा, घनश्याम दास गुप्ता, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह यादव, वशिष्ठ पाठक, हर्ष मिश्रा, प्रवेश यादव, डॉक्टर सुनील चौहान, मुन्ना लाल, रामदयाल, भगवान स्वरूप गुप्ता, सत्यभान गुप्ता, राजीव सिंह, सुशील सिंह, गप्पू मिश्रा, पुनीत मिश्रा, अनुराग पाठक, चंद्रभान सिंह आदि बहुत से श्रद्धालु मौजूद रहे। कासगंज से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।